हेलो गाइस, क्या हाल, कैसे हो। तो पार्क में था, पार्किंग में था, मैंने ठीक कर लिया इसको। अभी मैंने ले आया है, इसमें ओला के रिव्यू में स्वागत है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम मित्रों, क्या हाल, कैसे हो। तो आज हम राइड कर रहे हैं ओला, जो कि अपनी है। कुछ दिन पहले ही लिया है मैंने, एक हफ्ता दो हफ्ता हो गया है, तब से मैं इसको चला रहा हूँ। कभी रिकॉर्ड करने का, क्योंकि आज मेरे हाथ में आया है, पहली बार मैं ओला चला रहा हूँ। ये S1 Pro मॉडल है, सबसे टॉप वाला है, मैंने लिया है। और भाई क्या गजब चल रहा है, गजब। देखते हैं, इसमें बहुत कुछ मैंने ऐड नहीं किया है, अभी मैंने पेयर नहीं किया है, क्योंकि एक्चुअली मैं ये डेली नहीं यूज़ करता हूँ, इसीलिए थोड़ा सा बोल नहीं सकता हूँ। बट देखते हैं कैसा है फील। ऐसे चल तो अभी तक मस्त रहा है, अभी तक मैंने थोड़ी चलाया है, उसके बाद मैंने भी रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया है मैंने। और भाई इसकी स्पीकर तो स्पीकर सब बढ़िया है, मैं आपको बजा के दिखाऊंगा अगर आज मौका मिलेगा तो। ऐसे अभी मैं इसका राइडिंग टेस्ट कर रहा हूँ, बहुत अच्छा राइड चल रहा है। तो जैसे जैसे मेरे पास ओला का राइड में करता रहूँगा, मैं आप लोग को बताता रहूँगा कि कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। इसके इंडिकेटर्स देते हैं, तो ये लेफ्ट राइट थोड़ा साउंड करता है, ये दो बार क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इसकी बैलेंस भी बहुत अच्छी है, सीधे चले जाएगा, बाइक के लिए रास्ता है सीधे। तो बाइक के लिए है तो सीधा हम लोग स्कूटी निकाल देते हैं अपना, और थोड़ा सा रास्ता ख़राब है तो थोड़ा धीरे चलेंगे। और बाकी सब मस्त है, गाड़ी का कुछ टेंशन नहीं है। बाकी तो तुमने जो भी रिव्यू पढ़ा होगा तो दिखा ही होगा, मैं उन सब इतना डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ, बस सिंपल रखेंगे इस वीडियो को। राइडिंग के मज़े लो, ओला के राइडिंग के मज़े। इसका ब्रेक बहुत अच्छा है, इसका ब्रेक बहुत ही ज़बरदस्त है, स्कूटी से लाख गुना अच्छा है, क्योंकि इसमें डिस्क दिया हुआ है। कुछ लोग गाड़ी सीख रहे हैं, फोर व्हीलर आजकल लगता है कि लेने वाले हैं, फोर व्हीलर की डिमांड ही बढ़ गई है। लेकिन यार अपने को तो यही सब गाड़ी पसंद आती है, पोल्यूशन फ्री है गाड़ी, नो टेंशन, आराम से चलाइए। चार्ज का बस चार्ज करना है, वैसे मैंने उसको चार्ज कंप्लीट नहीं किया है, 90% दिखा रहा है। भकलंड बिना इंडिकेटर के जाता है भकलंड कहीं का, अबे इंडिकेटर दे दे भाई, इतना घूमना है तो इंडिकेटर भी नहीं देता है चमन। खैर चलो कोई बात नहीं, बच गया, कुछ हुआ नहीं। रोड बहुत खराब, बहुत घटिया रोड है, अभी बन रहा है, ये मेट्रो का लाइन बन रहा है। पटना में मेट्रो का भी काम बहुत ज़ोर शोर से हो रहा है, तुमको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। मैंने पिछले ब्लॉग्स में बात किया है पटना के मेट्रो के बारे में, तो चल रहा है बहुत ज़बरदस्त। खैर ये भाई देखो शर्ट से पकड़ती, इसका जो स्पीड है ना कैच करने का बहुत तगड़ा है, मतलब इंस्टेंट पिकअप है इसमें, ऐसा बोल सकते हो। थ्रॉटल बहुत अच्छा है इसका, ये अभी मैं नॉर्मल मोड में चल रहा हूँ, इनके एक इको मोड है, नॉर्मल मोड है, और तीसरा जो है वो स्पोर्ट्स मोड है। तो स्पोर्ट्स में भी डाला नहीं है मैंने, धीरे धीरे अभी मैं सीख रहा हूँ। जैसे जैसे होता है एक राइडर जो सीखता है, मैं जैसे इसको ओला को चलाना सीख रहा हूँ। जैसे ही मेरे पास ओला आएगी फुल फ्लेजेड, तो फिर देखना मैं इसका कैसा ज़बरदस्त उपयोग करता हूँ। तो बाकी तुम लोग बताओ, तुम लोग ओला चलाए हो कि नहीं, नहीं चलाए हो तो जाओ नियरेस्ट शोरूम में, टेस्ट ड्राइव लेके आओ, अगर लेना है तो ले सकते हो, रिकमेंडेड है ये वीडियो, रिकमेंडेड है ओला ब्रो। अरे जाए देना यार, जाए देना भाई, जाए देना, नहीं जाएगा। इसका ये डिस्प्ले मेरे को बड़ा मजा आया, अगर ये डिस्प्ले पल्सर 220 में होती तो मैं आग लगाया था। पल्सर 220 का मतलब क्या से क्या मैं आया था, बहुत चीज़ में मिस करता हूँ इसकी। कुछ कुछ क्वालिटी अगर पल्सर 220 में आ जाए ना, मतलब डाल दूँ ना या कैसे भी कर दो, फिक्स कर दूँ उसको, तो फिर मुझे बहुत ही मज़े बस लगेगा मेरे को। फिर 220 और ओला में कोई फ़र्क नहीं पता चलेगा बस। हाँ उसमें गियर से उसमें पेट्रोल लगता है, इसमें बैटरी लगती है, बस फ़र्क यही है, इसीलिए कंपैरिजन वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि कंपैरिजन मैं कर नहीं सकता, दोनों का सिस्टम अलग है, दोनों के पास जो बॉडी है वो भी बॉडी का स्पेस, पल्सर में स्पेस काफ़ी है, आदमी कर सकता है। अगर मैं कुछ मॉडिफिकेशन देखो, देखते हैं कुछ मॉडिफिकेशन होता है तो मैं करूँगा ज़रूर। गला बजा हुआ है, धूप आ गई है, गर्मियाँ चालू है, बहुत ही ज़बरदस्त। 90 से 89 किलोमीटर हो गया है अभी तक, जब से आया तब से 438 किलोमीटर चल चुका है गाड़ी, ठीक है। टाइम भी बताता है, ये सब इसमें थोड़ा सा कूल फीचर है जो अच्छा लगता है, टाइम भी बता रहा है, सब कुछ बता रहा है, तो आपको एकदम वॉच रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है गाड़ी चलाने वक्त, या वॉच को बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सब सीन है थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा ब्रेक्स का। तो ये रही ओला, देख सकते हो, दिख रहा है क्या, दिख रहा है, तो इसमें सारा कुछ बटन है। तो पल्सर 220 के बाद हम चला रहे हैं ओला, तो म्यूज़िक चल रहा था क्योंकि बैटरी जो है वो बहुत ही लो है, इसीलिए मैंने अभी बंद कर रखा है भाई। और इसमें नेविगेशन वगैरह सब लगा सकते हैं। तो फिलहाल अभी आज बैटरी का थोड़ा इश्यू है फ़ोन में, नहीं तो मैं चार्ज करना भूल गया था,
कल रात में, इसी वजह से अभी लो है। तो खैर, तो ये है मेरा ओला और बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। गाना ना बजाऊंगा तो कॉपी शुरू आ जाएगा, इसीलिए इंस्टाग्राम पर रील्स इसके आएंगे, देख लेना। और जिस तरह से मैं चल रहा हूँ बहुत सही है, मतलब भाई बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आता है इसको ओला चलाने में। सुई स्लाइटली, बहुत स्लाइटली है, बहुत ज़्यादा है, बढ़िया है। मैंने लिया है ओला S1 Pro, बड़ा महंगा वाला लिया है, क्योंकि यार देखो इन्वेस्ट करो तो ऐसा करो कि जो तुमको बढ़ा दे। ओ गाइस, तो क्या हाल है, तुम लोग ओला चलाए हो कि नहीं, देख लेना। रिव्यू तो तुमने बहुत सुने होंगे, बट मैं इसको चला के बता रहा हूँ, मैं जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ। मैंने खुद पैसे से खरीदी है भाई, तो भाई मैं झूठ क्यों बोलूँगा, ठीक है। अच्छा करेगा तो अच्छा बोलूँगा, ख़राब करेगा तो ख़राब बोलूँगा। अपना इंडियन कंपनी है इसीलिए थोड़ा सा है, ठीक है। तो इसका सस्पेंशन भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो दिक्कत नहीं आ रही है क्योंकि मुझे भाई डेली यूज़ करना है, ठीक है। और इसका टायर वायर सब भी बढ़िया है, ज़बरदस्त है, इंडियन रोड्स पे तो चलने के लिए बना ही है ओला। तो ये जस्ट लाइक स्कूटी है, ठीक है, जो स्कूटी चलाया है उसको पता होगा। ये ब्रेक जो है वो इसके लिए है, क्या बोलते हैं उसको, ये डुअल ब्रेक है इसमें, मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट में इस फ्रंट ब्रेक है। तो मैंने इंडिकेटर्स में सोचा है कि आवाज़ आता है इंडिकेटर्स का, अगर टूइंग टूइंग करेगा तो इंडिकेटर्स का वॉल्यूम अच्छा है तो अच्छी बात है। बहुत मज़ेदार चल रहा है, और इसमें इंडिकेटर्स देखने के बाद अगर आपको इंडिकेटर बंद करना है तो दोबारा से किसी टाइप का इंडिकेटर जला लो, उसको दोबारा प्रेस करना पड़ता है, तभी होगा। तो ये है, और ये ऐसे स्पीड इसकी मैंने टॉप स्पीड नहीं देखी है। मैंने इसको एक हफ्ता पहले लिया है, घर पर आया है, भैया चला रहे थे, तो काफ़ी मज़ेदार है। तो रिव्यू मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, इंजॉय करो। अगर कोई प्लान कर रहा है ओला लेने का तो भाई ले लो, आँख मूंद के ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, राइडिंग हैबिट अपनी अच्छा करना, अच्छी रखना, तो बढ़िया अच्छा चलेगा। वो सिंगल हैंडेड यूज़ रखना, थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ दिक्कत होगा तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना, थोड़ा आराम चलना भाई, कतई जहर चलेगा भाई। और सॉकर वॉकर इसका बढ़िया है, मज़ा आ रहा है, लेकिन गड्ढे वड्ढे को देख के चल रहा हूँ मैं। इसमें एक चीज़ है कि अगर आपने ब्रेक ले लिया तो एक्सेलरेटर जो है वो ऑटोमेटिक काट देता है, ठीक है, मतलब ऑटोमेटिक कम जाएगा, आप उसके बाद अपना एक्सेलरेटर बढ़ा नहीं सकते हो। तो ये दोस्तों अच्छा फीचर है इसमें, और बहुत मज़ेदार है। पेट्रोल वाले से मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि पेट्रोल वाली स्कूटी से बढ़िया होना है कि बैटरी वाली स्कूटी हो। पेट्रोल वाली बाइक भी अच्छी रहती है, स्कूटी उस्कूटी या इस बकवास। तो ये रहा मेरा रिव्यू, और अगर फ्यूचर में अगर मैं दूसरा कोई बैटरी वाला बाइक लेता हूँ तो ज़रूर बताऊँगा आपको, ठीक है। तो आपको कैसे लगी बताना ये रिव्यू। तो अब मैं इसको रिव्यू ख़त्म करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, और ओला को जाके ओला परचेज़ कीजिए। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट जाइए ओला परचेज़ कीजिए, गो ग्रीन वाला अब सीन है। 8 साल की बैटरी की वारंटी दे रहा है, ज़्यादा कुछ मुझे पता, ये 1.5 लाख की पड़ी है, हो सकता है कि आप लोग को भी 1.5 लाख की पड़े, बट ले लो जो भी है, बहुत सही है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए इस ओला के साथ करते हैं बाय बाय।